ट्रेन में सर आपका आगमन हुआ है, क्या मामला है, किस उद्देश्य से आगमन हुआ है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज सिद्धार्थनगर जनपद में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाना है और ये जयंती का कार्यक्रम लगातार 26 तारीख से चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम 28 फरवरी तक लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें आज सिद्धार्थनगर का नंबर है और आज राजा सुहेलदेव राजभर जी के पराक्रम को हम बताएंगे। सिद्धार्थनगर जनपद में जहाँ पर कार्यक्रम है वहाँ जाकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सिद्धांत को बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस देश में कहा जाता है कदर नहीं इंसानों की, पूजा होती है बेईमानों की। तमाम इतिहासकारों ने कह रखा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों कदर नहीं करता, वो समाज देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। माननीय कांतिराम साहब अपने समाज को समझाने के लिए कहा करते थे कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज का विकास नहीं होता है। कहीं न कहीं आज जो वंचित वर्ग के लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको हक हिस्सा अधिकार नहीं मिल पा रहा है, कहीं न कहीं वो अपने अतीत को नहीं जान पा रहे हैं। आज हम चल करके कार्यक्रम में उनको उनके अतीत से अतीत को बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आप इस देश में राजा रहे, आप इस देश के मालिक रहे, तो आपका हक हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए। आज इन सारे मुद्दों को लेकर के चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने, जिन्होंने इस देश को बचाने का प्रयास किया था विदेशी आक्रांताओं से, जिन्होंने इस देश की रक्षा किया था, जिन्होंने इस देश के हिंदुत्व को स्थापित पुनः किया था, जिन्होंने इस देश में संस्कृति सभ्यता को स्थापित किया था, जिन्होंने इस देश में लुट रही महिलाओं की इज्जत को बचाने का प्रयास किया था, ऐसे राजा गुमनाम हो गए थे। मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ देश के राष्ट्रपति और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के उन तमाम राजनेताओं को, जिस सुहेलदेव को कोई नहीं जानता था, उस सुहेलदेव राजभर जी को ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे दुनिया में दिखा करके आज सबको विवश कर दिया है। जय सुहेलदेव का। डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख, महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार।